नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और सबसे पहले बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई। आज से एक महीना पहले जब मोदी रूस यात्रा पर पुतिन से मिलने गए थे, तब जेलेंस्की ने काफी तीखा बयान दिया था। तब जेलेंस्की ने मोदी की आलोचना की थी, लेकिन शायद आज जेलेंस्की समझ गए होंगे कि सोच गलत थी। आज जब मोदी कीव पहुंचे तो मोदी का हाथ जेलेंस्की के कंधे पर था। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से पूरी दुनिया को उम्मीदें हैं। All of these visits will bring us closer to an end of the conflict, in line with General Assembly resolutions, international law, and the territorial integrity of Ukraine. मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली ग्रेजुएट किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है। इन तस्वीरों पर आज पूरी दुनिया की नजर है। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 912 दिन हो चुके हैं और पूरी दुनिया इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि पीएम मोदी क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो पिछले ही महीने रूस गए और फिर आज वे यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में थे। दोनों ही देशों में उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी से जिस अपनेपन के साथ मिले, आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात में भी वैसी ही गर्मजोशी नजर आई। अकेले प्रधानमंत्री मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्हें रूस और यूक्रेन दोनों अपना दोस्त मानते हैं। उनसे पूरी दुनिया को उम्मीद है कि वे रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा सकते हैं। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रही है। खुद यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा युद्ध को समाप्त करने में योगदान देगी। Hope that all of these visits will bring us closer to an end of the conflict, in line with General Assembly resolutions, international law and the territorial integrity of Ukraine. अब आप देखिए, पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के न्योते पर 10 घंटे की यात्रा करके आज जब ट्रेन से यूक्रेन पहुंचे तो वहां पर उनका किस तरह से स्वागत किया गया। पीएम मोदी यूक्रेन में सिर्फ 7 घंटे रुके और इस 7 घंटे के यूक्रेन विजिट के लिए उन्होंने 20 घंटे ट्रेन का सफर किया। इससे पता चलता है कि पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा कितना अहम है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन मैरिंस्की पैलेस में ज़ेलेंस्की के साथ करीब 3 घंटे बैठक की और ये 180 मिनट अगर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर पाए तो शायद ये इस सदी की सबसे बड़ी घटना होगी। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के दौरान अधिकतर समय यूक्रेन संकट पर ही चर्चा हुई। ज़ेलेंस्की से बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जंग को लेकर भारत कभी भी तटस्थ नहीं रहा, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। पीएम मोदी युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले बच्चों की याद में लगाई गई प्रदर्शन को देखकर भावुक हो गए। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से पूरी दुनिया को उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। और अब बात करेंगे देश के गुस्से की। कोलकाता कांड पर पूरे देश में उबाल है। आरोपी को मौत की सजा देने की मांग की जा रही है। मुख्य आरोपी संजय रॉय से जुड़े दिल दहला देने वाले खुलासे रोजाना हो रहे हैं।
वो एक आदतन अपराधी था, कई वारदातों को अंजाम भी दे चुका था। कुल मिलाकर कहें तो वो एक हैवान था। संजय रॉय पर सबसे खौफनाक गवाही। मैंने वो भैया क्या दारू पीने लेने के बाद मैं किसी को नहीं पहचानता। संजय रॉय के दोस्तों ने उसकी घिनौनी करतूत बताई। सुना रेड लाइट एरिया जाता था, ये भी कहानी है? ये सर पॉजिटिव एकदम। कितनी मतलब डेली? वो मतलब उसका घर द्वार था ऐसा समझिए। घर द्वार था जी सर। भवानीपुर का बदनाम बॉक्सर कैसे बना हैवान? जो थी एक से ज्यादा पत्नी थी उसकी बताते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे तो सभी जानता है उसका चार प्रसादी चार पांच प्रसादी। चार पांच लड़कियों को छेड़ना उसकी पुरानी फितरत थी। दूसरों के घर की महिलाओं पर गंदी नजर रखना उसकी पुरानी आदत थी। शराब पीने के बाद वो पूरी तरह से हैवान बन जाता था। तीन पत्नियों के साथ उसने जो किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोलकाता कांड का मुख्य आरोपी संजय रॉय भवानीपुर का रहने वाला है। जब हमारी टीम ने भवानीपुर का दौरा किया तो उसके दो दोस्तों ने उसकी ऐसी ऐसी घिनौनी करतूतें बताई कि जानकर आपका माथा घूम जाएगा। एक आदतन अपराधी क्या होता है, वो कैसी कैसी हरकतें करता है? कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस से पहले संजय रॉय क्या ऐसा घिनौना अपराध पहले भी कर चुका है? आज संजय रॉय के बारे में, उसके अतीत के बारे में और उसकी घिनौनी हरकतों के बारे में आप वो खौफनाक गवाही सुनिए जो किसी ने आपको नहीं बताई है। ये बताओ भाई कि ये संजय रॉय किस तरह का किरदार था? मैंने वो भैया क्या वो दारू पीने लेने के बाद मैं किसी को नहीं पहचानता था। कौन काम कौन माया है कौन भाई ने जिसका तिसका साथ कजेरा करता था। उससे हम लोग बातचीत ही बोलना बंद कर दिया भैया। काहे हम लोग काम काम से घर घर से फैमिली, हम लोग का बाल बच्चा है, यही चलाना खाट के खाना होगा। और उसका साथ जो मैंने पूरा कचरा बोलने से पूरा कचरा। किस तरह का कचरा मतलब क्या क्या करता था? भाई पीने का बाद माँ कौन माँ कौन बहन कौन कौन कहा है मैंने बोले ना टोन टिटकारी काटे ना ऐसे ही करता था। सुना रेड लाइट एरिया जाता था, ये भी कहानी है? ये सर पॉजिटिव एकदम। कितनी मतलब डेली? वो मतलब उसका घर द्वार था ऐसा समझ लीजिए। घर द्वार था जी सर। अच्छा तो मतलब क्या एडिक्शन था क्या उसको ये सब चीजों का? यस सर ये एडिक्शन ही था सर। बहुत कहानियां चल रही हैं कि ये रेड लाइट एरिया बहुत जाता था यहाँ का और ये गंदी गंदी वीडियो देखता था। हाँ ये हो सकता है। संजय के बारे में ये सनसनीखेज बातें उसके उन पुराने दोस्तों ने बताई है जो उसे 26 साल से जानते हैं। दोनों दोस्तों ने एक ही बात कही है कि शराब पीने के बाद वो हैवान बन जाता था, लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। आरोप है कि 8 अगस्त की रात संजय ने पहले शराब पी, उसके बाद अपने मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखा, फिर वो अस्पताल की चौथी मंजिल पर गया जहां सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर गहरी नींद में सो रही थी। और रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी के त्योहार की धूम है। मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से इस बार जन्माष्टमी पर आयोजन किए जाएंगे और इसको लेकर सियासी पारा अब हाई हो चुका है। कांग्रेस ने आयोजन को लेकर सवाल उठाए हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की यह पुरानी आदत है। प्रदेश में त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो वो ईद का पर्व मनाए। सीएम का ऐलान, जन्माष्टमी पर आयोजन। भगवान कृष्ण मथुरा से चल के उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए, मध्य प्रदेश शिक्षा ग्रहण करने आए, तो शिक्षा की महत्ता उनने 5000 सेले भी पहले भी बताई, इससे अच्छा सौभाग्यशाली अवसर कब रहेगा। फूटेगी मटकी, कांग्रेस सियासत में अटकी। लेकिन आप शिक्षण केंद्र में अनिवार्य करते हो, फिर एक तरफ आप मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हो, तो किस तरह ले जाना चाह रहे हो? तो ये आयोजन पर सवाल, मचा सियासी बवाल।
भारत का पर्व है, जन्माष्टमी से आपत्ति कांग्रेस को क्यों होने लगी? और जन्माष्टमी के बदले में ईद मनाना, तो ईद मनाने के लिए कांग्रेस है ना, ईद मनाए, कौन ने मना की है? त्योहार की रीति फिर क्यों राजनीति? राम का भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी के धूमधाम से मनाते, ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दें मथुरा। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी को लेकर धूम है। प्रदेश में सरकार की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये पहली बार है जब सरकार जन्माष्टमी मना रही है। सरकार के आयोजन को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस पर सवाल उठाए हैं। माननीय, जन्माष्टमी के कई आयोजन में हम भी जाते हैं, लेकिन आप शिक्षण केंद्र में अनिवार्य करते हो, फिर एक तरफ आप मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हो, तो किस तरह ले जाना चाह रहे हो? तो ये देश संविधान से चलेगा और इसलिए संविधान बहुत अच्छा है जिसको सबने एक्सेप्ट करा। संविधान से चला, गोडसे की विचारधारा से नहीं। कांग्रेस ने जन्माष्टमी के त्योहार को मदरसों से जोड़ दिया है। आरिफ मसूद के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, देश भगवान राम और श्री कृष्ण का है। जिनको भी जन्माष्टमी मनाने से आपत्ति है, आरिफ मसूद या कांग्रेस के अन्य नेताओं को, तो उनको कान खोल कर सुन लें। ये भारत का पर्व है, जन्माष्टमी से आपत्ति कांग्रेस को क्यों होने लगी? और जन्माष्टमी के बदले में ईद मनाना, तो ईद मनाने के लिए कांग्रेस है ना, ईद मनाए, कौन ने मना की है? पर हम जन्माष्टमी मनाएंगे, मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी करेंगे, मंदिर मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण, उनकी लीलाओं पर हिंदुस्तान चल रहा है। फिलहाल जन्माष्टमी को लेकर एमपी में सियासत हाई है। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब पर्व से परीक्षा की तरफ। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए भी और पुलिस के लिए भी, क्योंकि जिस तरह साजिशन अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है, पेपर लीक को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है, उस पर सबसे बड़े एक्शन की बारी है, क्योंकि परीक्षा शुरू होने से पहले ही सीएम योगी वार्निंग दे चुके हैं। अगर गड़बड़ी फैलाई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जा रहे हैं और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। योगी की चेतावनी साफ है, पुलिस भर्ती परीक्षा में अगर किसी ने गड़बड़ी की कोशिश की, पेपर लीक जैसी अफवाह फैलाने की जरूरत की, तो उसका इलाज बुलडोजर से होगा। उसके लिए जेल के रास्ते खुल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हर एग्जामिनेशन सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। योगी के आदेश पर यूपी पुलिस 31 अगस्त तक बिना रुके नीट एंड क्लीन एग्जाम के लिए मुस्तैद है और उन साजिशकर्ताओं को गिरफ्त में ले रहे हैं जिस पर या तो अफवाह फैलाने की कोशिश का आरोप है या फिर परीक्षा में गड़बड़ी का। इस बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा के पूर्व मंत्री यासर शाह पर आरोप है कि सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अफवाह फैलाई, अलग अलग ग्रुप्स और अकाउंट्स बनाए, इन ग्रुप्स में पेपर लीक से जुड़े मैसेजेस वायरल किए गए। दरअसल समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पर लगे आरोप के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी गड़बड़ी करने वालों को वार्निंग दे दी है।
पूरे उर्फ में एक महिला सिपाही गिरफ्तार हुई है और जहाँ जहाँ से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं सभी जगह FIR की गई है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वो विभाग के बाहर का व्यक्ति हो चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। सीएम योगी की पूरी कोशिश है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में न तो अफवाह फैले और न ही कोई पेपर लीक जैसी गुस्ताखी हो। पुलिस के साथ ATS और STF की तैनाती, पेपर लीक रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया जा रहा इस्तेमाल, कैंडिडेट्स का KYC वेरिफिकेशन हो रहा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आधार कार्ड वेरिफिकेशन जारी, परीक्षा केंद्र में CCTV से हो रही निगरानी और CCTV कंट्रोल रूम की ADM को है जिम्मेदारी। यानी जो तैयारी उत्तर प्रदेश में इस बार की गई है वैसी तैयारी आज तक देखने को नहीं मिली। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री ने जिस तरह अफवाह फैलाने की कोशिश की अब उस पर सियासत भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर बैन लगा दिया है। कहा यह जा रहा है कि ये दवाएं सेहत के लिए ठीक नहीं है। इनमें पेन किलर से लेकर मल्टीविटामिन तक शामिल है। सरकार ने बुखार, सर्दी, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबैक्टीरियल दवाओं पर बैन लगाया है। 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनके पीछे तर्क है कि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर आप भी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल देखा गया था कि 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगाया गया था, उस पर 156 पे लगाया गया है। अगर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को सरल भाषा में समझें तो एक गोली में कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, कई सारे कंपाउंड होते हैं जिसका सेवन जो है हम लोग करते हैं, और कई बार ये देखा जाता है कि बॉडी में जिस कंपाउंड की ज़रूरत नहीं है वो चला जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि एक बहुत अच्छा कदम है, इससे जिस तरीके से यूज़ हो रहा था मेडिसिन का वो रुक जाएगा, क्योंकि दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। जो दवाएं बैन की गई हैं उन्हें मल्टीविटामिन और एंटी एलर्जिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के मिश्रण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जुकाम, खांसी इन सब के लिए तो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर हेयर फॉल होता है या स्किन ट्रीटमेंट होते हैं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें एंटी एलर्जिक और मल्टीविटामिन भी शामिल है। इसमें पैरासिटामोल को भी जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और सूची में साफ तौर पर लिखा गया है कि इसका असर जो है वो बॉडी में देखने को मिल रहा है और इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है। इसको लेकर एक बड़ा एक्शन लिया गया है, और जिन 14 मेडिसिन की मैं आपको बात बता रही हूँ जो पहले लगा था उनमें भी उनका नाम जो है वो शामिल है। सरकार ने 156 ऐसी दवाइयों को बैन किया है जो कि बुखार, सरदर्द या यूं कहें कि खांसी, बदन दर्द, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अगर देखा भी जाए तो सरकार ने ये औचित्य दिया है कि ये जो दवाइयाँ हैं इनमें दर्द के लिए या बुखार के लिए दो दो कंपाउंड का इकट्ठे इस्तेमाल किया गया था, और ऐसी दवाइयों को हम कॉकटेल दवाइयां भी बोलते हैं। देखा जाए तो देखिए ये जो दवाइयां हैं एक ही मर्ज के लिए यानी कि एक ही तकलीफ के लिए एक दवा के अंदर दो कंपाउंड थे, और ऐसी स्थिति में क्योंकि ये दवाइयां ओवर द काउंटर बहुत आसानी से मिलती हैं तो इनका दुरुपयोग जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा था। वहीं अगर व्यक्ति दर्द के लिए या बुखार के लिए इन कॉम्बिनेशन ड्रग्स को ले रहा था तो बेवजह दो दो कंपाउंड उसके शरीर में जाकर के उसको आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स की संभावनाओं को बढ़ा रहे थे। बीते साल भी केंद्र सरकार ने कई दवाओं को बैन किया था। हेल्थ एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इससे दवाओं का दुरुपयोग रुकेगा। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। और दवा के बाद दर्द की बात, पीड़ा की बात। अफगानिस्तान में महिलाओं की आजादी पर तालिबान सरकार ने एक और चाबुक चलाया है। नए तालिबानी फरमान के तहत अब महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर जुबान बंद रखने को कहा गया है, यानी कि महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बोलना मना है, और इसके साथ ही महिलाओं के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। इसमें घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं का पूरा शरीर ढका होना चाहिए, उनके कपड़े पतले और छोटे नहीं होने चाहिए। कानून तोड़ने वाली महिलाओं के लिए खौफनाक सजा का ऐलान भी कर दिया गया है।
तालिबान सरकार में महिलाओं की मुसीबत अपार। कट्टरपंथी हुकूमत में महिलाओं की आजादी पर एक और हमला। अफगानिस्तान में महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी खत्म। कानून तोड़ने वाली महिलाओं पर बरसेगा तालिबान का चाबुक। 15 अगस्त 2021 यही वो तारीख थी जब लोकतंत्र के रास्ते पर दौड़ रहे अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया। तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और उसी दिन से अफगानिस्तान में महिलाओं के दुर्दिन शुरू हो गए। तालिबान सरकार ने अपने मुल्क में महिलाओं की आजादी पर एक और शिकंजा कस दिया। नए कानून के तहत सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि अब महिलाएं पब्लिक मीटिंग में बोल नहीं पाएंगी, गा नहीं पाएंगी, स्कूलों में पढ़ा नहीं पाएंगी, नौकरी नहीं कर पाएंगी, अकेले कहीं जा भी नहीं पाएंगी और अदालतों में अपना पक्ष नहीं रख पाएंगी। यानी कि अब की बार शरिया कानून के नाम पर महिलाओं के बोलने पर पाबंदी लगा करके तालिबान सरकार ने अफगानिस्तानी महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी का गला पूरी तरह से घोंट दिया है। तालिबान सरकार ने सिर्फ महिलाओं की आवाज का ही गला नहीं घोंटा, बल्कि उनकी पहचान भी मिटा देने का इरादा कर चुकी है। इसीलिए तालिबानी हुकूमत ने नया फरमान जारी किया है कि अब घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं को अपना चेहरा ढक कर रखना होगा। नए कानून में कहा गया है कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर हर समय अपने शरीर को ढकना जरूरी है। उनके कपड़े पतले और छोटे नहीं होने चाहिए, यानी कपड़ों के भीतर उनका शरीर झलकना नहीं चाहिए। कानून का पालन न करने पर चेतावनी या फिर गिरफ्तारी जैसी सजा दी जाएगी। तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान की महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं, सारे हक पुरुषों को हैं। महिलाओं को अपनी आवाज उठाने या विरोध करने का कोई हक नहीं। सत्ता में आने के 10 दिन बाद ही तालिबानी हुकूमत ने वहां की न्यायिक व्यवस्था को बदलना शुरू कर दिया, जिसका सबसे बुरा असर महिलाओं की जिंदगी पर पड़ रहा है। अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकारों में तलाक के जिन मामलों में फैसला हो चुका था, अब उन्हें पलटा जा रहा है। तालिबान सरकार में नियुक्त हुए नए जज ओवर टाइम करके पिछले शासन के दौरान किए गए फैसलों को पलट रहे हैं। तालिबान सरकार के एक बड़े अभियान के तहत अदालतों में आम लोगों को मुफ्त अपील की सुविधा दी गई है, जिसकी वजह से तलाक के 30% केस की फाइलें फिर से खोली गई हैं और एक के बाद एक उन सभी केसों के फैसलों को पलटा जा रहा है जिसमें जीत महिला की हुई थी। इसी वजह से वो महिलाएं ज्यादा घबराई हुई हैं जो अपने पति से तलाक लेकर नर्क की जिंदगी से छुटकारा पा चुकी थी। अब उन्हें जबरन अपने पूर्व पति के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दावा यह है कि एक परिवार के सदस्य आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में 25 किलो सोना पहनकर पहुंचे हैं और इसकी तस्वीरें भी अब सामने आई हैं, दिखाते हैं आपको। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर मंदिर की अलग ही महिमा है। तिरुमाला में देवता को सोना चढ़ाने की परंपरा भी चली आ रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तिरुमाला के वेंकटेश्वर मंदिर में मौजूद लोगों की आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब एक परिवार के 3 सदस्य भारी भरकम सोना धारण करके मंदिर परिसर में पहुंच गए। महाराष्ट्र से एक परिवार तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर की यात्रा करने पहुंचा। पुणे का ये परिवार 25 किलोग्राम सोना पहनकर यहां आया। जी हां, सही सुना आपने।
सोना इतना कि कोई इसका शौकीन भी होगा तो वो भी शर्मा जाए। वहां पर आए श्रद्धालु उन्हें देखकर दंग रह गए, जो लाजमी भी था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो शख्स और एक महिला है। दोनों पुरुषों ने अपनी गर्दन को सोने की मोटी जंजीर से ढका था। दोनों ने ब्रांडेड धूप का चश्मा भी पहना हुआ है। महिला भी सोने के आभूषण पहनकर आई है, उनके साथ एक बच्चा भी आया है। सोना और सोने से बने हुए आभूषण पहनना हमेशा से भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रहा है और लोग इसका प्रदर्शन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। कहा जा रहा है कि गुरुवार को ये परिवार तिरुमाला आया, जिसके बाद परिवार ने मंदिर में दर्शन किए। तिरुमाला मंदिर तीर्थयात्रियों से सोने का प्रसाद प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। इस पवित्र स्थल पर आने वाले श्रद्धालु अक्सर आभूषणों का प्रदर्शन करते हुए भी देखे जाते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाने के संकेत के रूप में सोना और दूसरी कीमती सामान चढ़ाया जाता है। वेंकटेश्वर के पास बेश कीमती गहने और हीरे हैं। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है, जिसके चलते यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।